हाय गाइस, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। इसके पहले वाला लेक्चर में हमने देखा था कि हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 पे फाइंड की थी और किस टाइप से उनको फाइंड किया था। आज हम देखेंगे कि टेबल किस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, इसके टेबल बनाने की ट्रिक होती है, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90। पहले वाला लेक्चर में हमने देखा था इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आज हम इसकी ट्रिक देखेंगे कि किस टाइप से इसके टेबल को कंप्लीट किया जाता है। विद इन 1 मिनट में टेबल कंप्लीट हो जाती है, देखते हैं। देखें, यहाँ 0 से अपने स्टार्ट किया, 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 गिनती लिखते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। 4 पे कंप्लीट हो गई तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। यहीं पे 4 पे कंप्लीट हो गई टेबल, यहीं 4 से डिवाइड कर देंगे। 4, यहाँ पे भी 4, 4, 4 और 4। इसके बाद सबको अंडर रूट के अंदर पैक कर देंगे। ये हो गया अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट और ये भी हो गया अंडर रूट। देन कैंसिल करते हैं जो कैंसिल हो रहे हैं उनको। 0/4 कैंसिल नहीं होगा, 0/4 0 होता है, ठीक है। 0, 1/4 तो कैंसिल नहीं होगा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, देन 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है 1/2, तो ऐसा हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे 3 और 4 कैंसिल नहीं होगा, अंडर रूट के अंदर 3 हो जाएगा और 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 2। यहाँ पर 4/4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो वैल्यू मिल गई आपको 0 की साइन 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और 90 की हो गई 1। देन अब देखते हैं कॉस की। तो कॉस में बहुत सिंपल है, ये हो गया कॉस थीटा। जैसे साइन थीटा की वैल्यू 0, 1/2 इस टाइप से आगे बढ़ रही है, इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, 3/√2/2 और 1 है, इसको उल्टा लिख देंगे रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे जाएगा √3/2। तो यहाँ 45 यहाँ पे वही रहेगा 1/√2, ये 1/2 और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0। देखिए साइन की वैल्यू भी फाइंड हो गई, कॉस की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब देखते हैं टेन की वैल्यू फाइंड करना। तो टेन का रूल आपने देखा था, टेन का रूल मैं बताना भूल गया आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले देन सोना चांदी तोले। तो टेन का रूल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक रूल और होता है टेन को फाइंड करने के लिए। देखिए साइन का रूल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर अपन दोनों को डिवाइड कर दे साइन अपॉन कॉस, तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा और बचा गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन का रूल ये होता है। तो साइन अपॉन कॉस को हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा के इक्वल। तो अब जब भी हम साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0/1 डिवाइड करेंगे। 0/1 क्या होता है, 0/1 जब डिवाइड करेंगे तो 0/1 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। ध्यान रखना 0 कभी भी अपॉन में नहीं होता है, ठीक है। 0/1 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, ये वैल्यू हो गई 1/√3। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/√2 और यहाँ पे 1/√2, ठीक है, दोनों कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा आपको 1। ठीक है, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू हो गई 1। यहाँ डिवाइड करेंगे √3/2, √3/2 डिवाइड में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिली वैल्यू √3। अपॉन में 1 लिखने से जरूरत ही नहीं, यहाँ पे 1/0। अभी आपने आपको कहा कि अपॉन में 0 कभी नहीं होता है, इसका मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है, इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू हो गई साइन की, कॉस की और टेन की। अब बची वैल्यू कॉस सेक और कॉस, और हमको पता है कि
इसके जस्ट रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस का सेक और टेन का कॉट, इनकी वैल्यू भी देख लेते हैं। जस्ट रेसिप्रोकल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो साइन का कॉस सेक देखते हैं सबसे पहले। ये हो गया कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन की वैल्यू देखते हैं क्या है, जीरो। तो साइन का रेसिप्रोकल यहाँ जीरो, जीरो का अपन पूछना मतलब वन होता है, क्योंकि जिसका अपन पूछना होता है मतलब वन होता है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपन जीरो, और वन अपन जीरो, अपन में जीरो कभी नहीं आता, इसका मतलब क्या हो गया, ये इनफाइनिट। ठीक है, तो कॉसेक जीरो की वैल्यू हो गई इनफाइनिट। देन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1, तो 1/1 में लिखते ही नहीं है, ठीक है, मतलब 2। देन साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2/1, ठीक है, तो 1 लिखते ही नहीं अपन। देन साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। देन साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो कॉसेक 90 की वैल्यू हो जाएगी 1/1, मतलब के 1, ठीक है। देन अब वैसे ही देखते हैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू देखते हैं, सेक थीटा, तो सेक जीरो की वैल्यू 1/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 1 ही होगा, ठीक है। सेक जीरो की वैल्यू हो गई 1। देन कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया। देन कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2/1, ठीक है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। देन कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/1, मतलब 2। देन कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, अपन में कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 होगा, ठीक है, तो कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0/1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/0, और 1/0 डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड, इनफाइनिट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई यहाँ पे। देन सेक कॉसेक भी हो गया, सेक भी हो गया। अब बात करते हैं कॉट की, टेन थीटा करते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड। ये हो गया कॉट थीटा, ठीक है, ये होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो टेन थीटा यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू टेन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, अपन कुछ नहीं, इसका मतलब वन है, ठीक है, तो 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0, इसका मतलब इनफाइनिट, ठीक है। देन टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट थर्टी की वैल्यू हो जाएगी √3/1, तो 1 लिखते ही नहीं अपन। यहाँ टेन 45 की वैल्यू 1 है, तो कॉट 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/1, मतलब 1 ही होगा, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू √3 है, तो कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ठीक है। देन टेन 90 की वैल्यू इनफाइनेट है, मतलब 1/0 थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 0/1 है, और 0/1 क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज फाइंड हो गई और आपकी टेबल कंप्लीट हो गई, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक और कॉट, ठीक है। तो आप देखिए इस टेबल को, ठीक है, तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी किस टाइप से इस टेबल को कंप्लीट किया जाता है, और बहुत ही जल्दी हो ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो 0/1/2, 1/√2, √3/2 और 1, मैं सिर्फ साइन की वैल्यू को याद रखता हूँ, बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगी, ठीक है। साइन की वैल्यू याद रखेंगे तो आपको पता है साइन का जस्ट उल्टा करेंगे तो कॉस हो जाए, कॉस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 होता है, जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है। इस टाइप से टेन और कॉट में भी होता है, आप टेन और कॉट की टेबल देखिए, जो टेन में यहाँ पे जीरो है तो कॉट में यहाँ पे जीरो है, टेन में यहाँ पे 1/√3 है तो कॉट में यहाँ पे 1/√3। जिस टाइप से साइन और कॉस का था उस टाइप से टेन और कॉट को भी है, क्योंकि टेन को अपन इस टाइप से लिखेंगे आगे और इसको जस्ट उल्टा लिख देंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो कॉट का बन जाएगा। ऐसे ही सेक को जब अपन इस टाइप से लिखते हैं, सेक का जगह यहाँ पे 1 है तो कॉसेक का 1 यहाँ पे है, तो इसी टाइप से सेक को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कॉसेक का बन जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अपन देखते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक करते हैं एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपको, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, आपको मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, और आपको कल मैंने सिखाया था इसकी वैल्यू किस टाइप से फाइंड की जाती है, और अपने टेबल इसमें ओनली आपको टेबल में से बस वैल्यू पुट करना है, ठीक है, आपको फाइंड टू करना ही नहीं है। क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू अपन क्या होता है, साइन 60, तो साइन 60
साइन की वैल्यू 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2 और रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया रूट 3 अपॉन 2। साइन 60 की वैल्यू को रूट 3 अपॉन 2, कॉस 30 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है क्योंकि इसका रिवर्स ऑर्डर है। तो यहाँ पे भी रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 0, 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 साइन 30 की वैल्यू है और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो ये भी हो गया 1 अपॉन 2। एक बार चेक करवा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए, यहाँ पे देखिए साइन 60 की वैल्यू ये रही, साइन 60 यहाँ पे दिया है रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, और वही कॉस 30 दिया है आपको रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है 1 अपॉन 2 और कॉस 60 की वैल्यू भी आपको यहाँ पे ये दी है 1 अपॉन 2, ठीक है। चेक हो गया, देन सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे मल्टीप्लाई रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में होगा, तो यहाँ पे अगर 3 2 इंटू 2 4 प्लस 1 अप टू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4, ठीक है। देन एलसीएम लिया, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 1, दोनों को प्लस करेंगे 4 अपॉन 4 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई, आंसर आया 1। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्या दिया हुआ है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो इसको इस टाइप से देख सकते हैं, 2 tan² है तो इसको इस टाइप से देख सकते हैं, 10 45° का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा cos 30° का स्क्वायर माइनस sin 60° का स्क्वायर, स्क्वायर में होता था, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये देन इनकी वैल्यू रखते हैं, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, 2 × 10 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। देन cos 30 की वैल्यू, तो sin 60 की वैल्यू जो होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू यही होती है √3/2, ठीक है। एक बार आपको चेक करा देता हूँ मैं, देखिए इस टेबल में 10 45 की वैल्यू ये रहा, 10 45 1 हो गया, cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, देन sin 60 की वैल्यू वो भी हो गई √3/2, ओके ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, क्या दिया हुआ है 2 × 1² 1 ही होता है प्लस √3², तो √3² हो गया 3 और 2² हो गया 4 माइनस √3² 3 और 2² हो गया 4। चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हो आके, या इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, एक प्लस में 3/4 और एक माइनस में 3/4, इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, आंसर होगा आपका यहाँ पे 2 × 1 मतलब के 2, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखते हैं, क्या दिया है, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, तो cos 45 की वैल्यू, तो cos 45 और sin 45 पर इक्वल होता है, तो साइन की वैल्यू क्या है 0, 1/2 एंड 1/√2, तो cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, देन अपॉन में sec 30 की वैल्यू, तो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 30 की वैल्यू जो होगी sec 30 उसका रेसिप्रोकल होगा, तो देन cos 30 की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2 और √3/2, जो sin 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है, तो √3/2 जो वैल्यू है वो है cos 30 की वैल्यू, देन sec की इसके जस्ट अपोज उल्टे उल्टी वो कर देंगे इस वैल्यू को, तो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू देखते हैं, तो cosec 30 की वैल्यू जो sin 30 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल होगा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 0 और 1/2, तो 1 हो गई 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जाएगा 2/1, ठीक है। देन आपको टेबल में चेक करा देता हूँ इन वैल्यूज़ को मैं, देखिए cos 45 की वैल्यू, cos 45 यहाँ पे दिया हुआ है 1/√2 यही लिखा है हमने, देन sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू दिए 2/√3, ठीक है, और cosec 30 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू यहाँ पे दिए 2, ठीक है, 2/1 लिखा है मैंने। देन आगे सॉल्व करते हैं इसको,
वन अपॉन रूट टू ऐसा कैसा एज इट इज वन अपॉन रूट टू। देन यहाँ पे एलसीएम लेंगे रूट थ्री और वन का एलसीएम होगा रूट का थ्री, ठीक है। रूट टू वन का एलसीएम रूट थ्री होता है, ये जगह एलसीएम लेंगे तो रूट का थ्री। देन रूट थ्री टू में रूट थ्री वन टाइम, देन वन का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ऐसा कैसा आएगा, प्लस वन की टॉप में रूट थ्री टाइम और रूट थ्री का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू रूट थ्री। देन इसको आगे सॉल्व करते हैं और वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू अपॉन में, अब अपॉन में कुछ भी नहीं हो रहा है सिर्फ टू, यहाँ पे अपन चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, जो अपॉन में वैल्यू उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा वन अपॉन रूट टू, देन अपॉन की वैल्यू ऊपर आएगी तो रूट थ्री ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस टू रूट थ्री, ठीक है। देन आपको पता है रूट की वैल्यू का रूट की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा रूट का थ्री, देन रूट टू का टू में मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया टू रूट टू प्लस रूट टू का रूट थ्री में मल्टीप्लाई किया तो ये होगा टू रूट का सिक्स, ठीक है, क्योंकि रूट की वैल्यू का रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है। रूट टू का रूट थ्री में मल्टीप्लाई किया, रूट टू का रूट थ्री में मल्टीप्लाई किया तो थ्री इंटू टू सिक्स हो गया। देन अब अपने 9th क्लास में देखा था कि अपॉन में कभी भी हम अंडर रूट में आंसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें भी हमको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली उस आंसर का कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए हम इसको अपॉन में कभी अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं। तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, ये जाएगा रूट का थ्री अपॉन में टू रूट टू प्लस टू रूट सिक्स, देन रेशनलाइजेशन करते हैं तो इसको एक बार ऊपर मल्टीप्लाई और अपॉन में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, टू रूट टू, या साइन चेंज कर देते हैं रेशनलाइजेशन में, टू रूट सिक्स, देन ये हो जाएगा टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स। अब आप देखिए कि नीचे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो फार्मूला यूज़ हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो रूट थ्री के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा रूट थ्री का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो टू तो ऐसा कैसे रहेगा, थ्री का मल्टीप्लाई टू में तो ये हो जाएगा रूट का सिक्स माइनस, देन रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट सिक्स है में, टू तो ऐसा ही रहेगा, थ्री सिक्स जा 18 तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। देन अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपने फार्मूला देखा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब टू रूट टू का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब टू रूट सिक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब टू ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, टू कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा रूट का सिक्स माइनस टू कॉमन हो गया रूट का 18, देन अपॉन में इसका स्क्वायर करते हैं तो टू का स्क्वायर हो गया फोर इंटू रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, ठीक है, माइनस टू का स्क्वायर फोर इंटू रूट सिक्स का स्क्वायर करा तो सिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। देन आगे करते हैं टू रूट का सिक्स, अब 18 को देखते हैं क्या अपन 18 को अंडर रूट से बाहर कर सकते हैं, तो 18 का एलसीएम किया 2 से 9 टाइम, देन 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, ठीक है, तो रूट अंडर रूट 18 को हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 रूट का 2, ठीक है, 3 का पेयर बाहर हो जाएगा, देन अपॉन में 4 टू जा 8 माइनस 6 4 जा 24, और आगे बढ़ाते हैं तो जगह टू ब्रैकेट में रूट सिक्स माइनस थ्री रूट टू और अपॉन में माइनस किया यहाँ पे तो बचा 16, ठीक है, 24 में से माइनस किया तो 16 भी माइनस का, ठीक है, टू से कैंसिल हो गया, टू वन जा टू टू एट जा 16, तो आपका आंसर हो गया रूट का सिक्स माइनस थ्री रूट टू अपॉन में माइनस का 8, ठीक है। अब नीचे अपॉन का माइनस 8 है
इसको अपन चाहे तो ऊपर से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, तो जो ये प्लस का था ये क्या हो जाएगा, माइनस का। आपको पता है साइन चेंज हो जाता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो, और ये माइनस होते हुए क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, आपको पता है साइन चेंज हो जाता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो, और अपॉन में माइनस का 8, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, आप इसको सही ढंग से लिख सकते हैं हम, आंसर हो जाएगा आपका जो प्लस का, उसको आगे लिखते हैं ऑर्डर में, 3√2 − √6 अपॉन में 8। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको, sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 16 cot 45। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, sin 30 की वैल्यू 0 1/2, तो क्या होती है sin 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, मुझे सिर्फ साइन की वैल्यू याद है, बाकी मैं ऐसे ही फाइंड कर देता हूँ। तो 0 1/2, sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2, देन 10 45 की वैल्यू हो गई 1, 10 45 1 होता है, 1 अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख देता हूँ, माइनस cosec 60 की वैल्यू, तो ये sin 60 का रेसिप्रोकल होगा, sin 60 की वैल्यू होती है 0 1/2, 1/√2, और √3/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक है, ये देन अपॉन में देखते हैं sec 30 की वैल्यू, जो sec 30 की वैल्यू होगी वो cos 30 की जो वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल होगा sec 30, तो cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू के इक्वल होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका मतलब cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 हो जाएगी 2/√3। ठीक है, 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू, जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू होगी 0 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है ये, तो 10 45 की वैल्यू हमने लिखी 1, तो cot 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, देन आपको एक बार वैल्यूज चेक करा देता हूँ मैं टेबल में। देखिए सबसे पहले दिए sin 30 की वैल्यू 1/2, ये दिए sin 30 की वैल्यू 1/2, देन 10 45 की वैल्यू 1, ये 10 45 की वैल्यू 1, देन cosec 60 की वैल्यू 2/√3, तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, sec 30 की वैल्यू 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3 यहाँ पे दिख रही है आपको, देन cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2, और cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, cot 45 की वैल्यू 1, सारी वैल्यूज चेक हो गई, देन इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या दिया हुआ है, ऊपर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे √3 है, 2√3 एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम हो गया 2√3। ठीक है, 2 की टेबल में 2 से 2 हट जाएगा, सिर्फ √3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे पूरा 2√3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2√3 का, माइनस √3 है यहाँ पे, √3 से √3 हट जाएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2 = 4। ठीक है, देन अपॉन में देखते हैं, यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे तो फिर वही एलसीएम आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही वैल्यू से 2√3 और 1, तो यहाँ पे एलसीएम वही आएगा, एलसीएम 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 = 4, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 का 2√3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आएगा, उसका ऊपर पूरा मल्टीप्लाई होगा 2√3। ठीक है, ये हो गया एलसीएम, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको ये ऊपर ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 2√3, तो हम इसको यहीं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, देन इसको सॉल्व करते हैं आगे, क्या दिया है 2√3 और √3। अब आपको पता है जो रूट की वैल्यू प्लस हो सकती है, अगर सेम हो तो प्लस हो जाती है, नहीं तो प्लस, जैसे √2 + √3 ये कभी प्लस नहीं होगा, लेकिन अगर ये सेम है, √2 + √2 है, तो दोनों को प्लस करके 2√2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि √3 और √3 दोनों सेम है, तो इनको हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको प्लस करके लिख देंगे, ये 1√3 और ये 2√3, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3√3।
माइनस का 4, और अपॉन में 4 यहाँ पे ऐसा कैसा है, रूट थ्री एक बार है और यहाँ पे दो बार है, तो 2√3 और 1√3 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो के 3√3। ठीक है, और अभी अब मैंने आपको कहा था कि अपॉन में कभी भी अंतर रूट वाली वैल्यू नहीं हम छोड़ते हैं, तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन करते हैं, एक बार ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, और साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है, 4 − 3√3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और 4 − 3√3 का नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अपॉन में जो अंदर रूट है वो हट जाए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ फार्मूला बन जाता है a+b और a−b का, और इसका हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से अंडर रूट हट जाता है। देन सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3√3 का 4 में और 3√3 का इसमें, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, पहले 3√3 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 का 4 में किया तो ये हो जाएगा 12√3। ठीक है, 3√3 का मल्टीप्लाई इसी में किया तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो हो गया 9, माइनस का 9, देन √3 का मल्टीप्लाई √3 में किया तो हो गया 3। ठीक है, देन माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले हमने 3√3 का मल्टीप्लाई किया 4 में, फिर 3√3 का मल्टीप्लाई किया इसमें, अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 का 4 में, माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, देन माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, देन 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया 12 और रूट का 3। ठीक है, अपॉन में यह फार्मूला हो गया a+b और a−b का। ठीक है, तो फार्मूला आपको बताया था a+b और a−b, ये होता है a²-b², सॉल्व करते हैं यहाँ पे, a² मतलब 4 का स्क्वायर − b², तो b यहाँ पे क्या है, 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, देन सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया 12√3 − 9 का मल्टीप्लाई 3 में किया 27, माइनस का 16, देन प्लस का 12√3। ठीक है, अपॉन में देखते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे 12√3 प्लस का है और यहाँ पे 12√3 प्लस का है, दोनों को पास में करके प्लस कर देते हैं तो 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 और √3। ठीक है, 24, ये इसको और इसको दोनों को प्लस कर दिया, दोनों के रूट सेम है इसलिए, यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे दोनों और साइन माइनस का ही आएगा। 7 और 6, तो क्या 13 का 3, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, देन अपॉन में 16 माइनस 9 से 3 में मल्टीप्लाई किया तो 27, देन सॉल्व करते हैं इसको आगे, आप 24√3, 24√3 माइनस 43, ये तो कुछ नहीं हो सकता है इसमें, अपॉन में माइनस किया 7 में से 6 माइनस किया तो 1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1। ठीक है, अभी माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है और अपॉन में माइनस है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में −11, देन माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, जो प्लस वाला उसको आगे लिख देते हैं, तो हो जाएगा 43 − 24√3 और अपॉन में 11। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th वाला, क्या दिया है, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10 square 45 देन sin² 30 डिग्री एंड cos² 30 डिग्री। पहले इसको साइड ऑर्डर में लिख लेते हैं, 5 cos² 60 डिग्री, तो इसको इस टाइप से देख सकते हैं, cos 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का
स्क्वायर अपॉन में साइन थर्टी, क्योंकि अगर साइन थर्टी डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, देन वैल्यू पुट करते हैं इसमें, फाइव कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की वैल्यू के इक्वल होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 0 और 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू, जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो sec 30 की वैल्यू आ जाएगी, तो cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू के इक्वल होती है, sin 60 की वैल्यू है 0 1/2 1/2 √3/2, ये हुई sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 की वैल्यू वो cos 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर, देन अपॉन में देखते हैं साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि 0 उसके बाद 1/2 ही आता है, 0 1/2, देन कॉस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू है, तो 0 1/2 1/√3/2 आता है यहाँ पे, ये हो गया √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। आपको एक बार वैल्यू चेक करा देता हूँ टेबल में, देखिए कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे है 1/2, ठीक है, सेक 30 की वैल्यू, तो सेक 30 की वैल्यू यहाँ पे 2/√3, 1045 की वैल्यू यहाँ पे दी है 1, देन साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, देन कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2, ठीक है, सारे वैल्यू करेक्ट है यहाँ पे, आगे सॉल्व करते हैं इसको, फाइव मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस कुछ ने अपॉन में तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे, 4 कुछ ने अपॉन में तो 1 लिख देते हैं, इनटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, अब अपॉन में देखते हैं इसके 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, देन और आगे सॉल्व करते हैं इसको, 5 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो क्या हो गया 5, 4 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो 16, 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 3 माइनस 1/1, देन अपॉन में आप देख रहे हैं कि 4 दोनों में एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे 4 एलसीएम ले लिया, देन यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है, ओके सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर देखिए ऊपर एलसीएम आ रहा है 4 × 3 मतलब 12 एलसीएम हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 12, 4 के 12 में 12, 3 टाइम 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 प्लस 3 के 12 में 12, 4 टाइम 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 16 4 64 माइनस 1 के 12 में 12, 12 टाइम 12 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया 12, अपॉन में देखते हैं 3 और 1 4/4, तो इसको यहीं पे वो कैंसिल कर सकते हैं 4/4, तो ये कैंसिल हो गया 1, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ ऊपर का नंबर ही बचा है, इसको सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 1 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन में 12, ठीक है, देन माइनस करते हैं 9 में से 2 माइनस किया 7 7 में से 1 माइनस किया 6 अपॉन में 12, तो आपको ये वैल्यू, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, आपको इसमें से देखना है कि इसमें इन चारों में से इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, तो देख इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 tan 30 डिग्री
टेन अपॉन में 1 + tan 30° का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, एंड 1 + tan 30 की वैल्यू वही 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको और, तो हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं तो अपॉन में 1 लिख दिया, 2 को मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा 2/√3, देन अपॉन में देखते हैं और, यहाँ पे 1 कुछ नहीं अपॉन में तो 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। ठीक है, देन और आगे सॉल्व करते हैं इसको, जो जाएगा 2√3 अपॉन में LCM आएगा तो यहाँ पे हो गया 3, 1 की टेबल में 3 3 टाइम तो ऊपर आ जाएगा 3 + 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1, यहाँ पे हो गया 2√3, 2/√3 एंड अपॉन में हो गया 3 और 1 4/3। ठीक है, देन और आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2√3, ये डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √3 से 3 कैंसिल हो गया 3 टाइम। ठीक है, तो आंसर होगा आपका √3/2। ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि √3 से 3 कैंसिल कैसे हो गया, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं कि आप नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए √3 का ऊपर भी और √3 का नीचे भी, इस टाइप से, तो ये हो जाएगा 3√3 और यहाँ हो जाएगा 3√3 का √3 मल्टीप्लाई हो गया तो 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो इस टाइप से ये √3 ऊपर आता है। ठीक है, तो आंसर हो गया √3/2, तो आपका आंसर निकला √3/2। अब देखते हैं इसमें से किसकी वैल्यू √3/2 है, √3/2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2 और √3/2, मतलब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ये वाला करेक्ट है। ठीक है, टेबल में आप चेक कर सकते हैं इसको, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, रॉन्ग है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन 2 के सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन 2 के सेकंड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू।